हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी से बना हुआ बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। सूजी या कुछ लोग रवा भी बोलते हैं। तो देखिए, जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है पहले मैं वो बता देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये फ्रेश दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। साथ ही देखिए, इधर मैंने ली है ये एक कटोरी के करीब सूजी ली है। और सब्जियों में मैंने ली है, एक टमाटर को मैंने काट लिया है। साथ ही मैंने ली है मटर, थोड़ी सी ली है पत्ता गोभी, 2 से 3 ली है हरी मिर्च, और थोड़ा सा लिया है ये सूखा धनिया। मेरे पास फ्रेश नहीं था इसलिए मैं सुखा कर रख लेती हूँ, तो मैंने ये ले लिया है। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। साथ ही सब्जियों में अगर आप गाजर चाहें, शिमला मिर्च चाहें, जो आप चाहें अपनी पसंद की सब्जियाँ ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है, एक इनो का पैकेट लिया है। इसमें से बहुत थोड़ी सी हमें इनो यूज़ करनी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इधर देखिए, मैंने ये बाउल ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी ये सूजी। साथ ही ये जो दही फेंट कर रखा था, इसे तो देखिए सूजी अच्छे से घुल चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। साथ ही बहुत थोड़ी सी लाल मिर्ची, ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीजों को डालकर और थोड़ा सा मैं इसमें जीरे का भी यूज़ करूंगी, तो मैंने साबुत जीरा डाल दिया है। और अब इन्हें डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और हमें इसे लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो चलिए अब इसे हम छोड़ देते हैं। देखिए मिक्सचर को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं डाल दूंगी ये सारी सब्जियां जिन्हें मैंने कट करके रखा था। और वापस से इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए इस टाइम पर ये बहुत थोड़ा सा, लगभग 2 चम्मच के करीब, 2-3 चम्मच के करीब हमने इसमें पानी का यूज किया है। इस टाइम पर ये थोड़ा सा पानी मिला देंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इधर देखिए एक पैन ले लिया है मैंने, और अभी से हम गरम होने देते हैं। पैन अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी बहुत थोड़ा सा देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने देसी घी यूज किया है। और इधर देखिए, मैंने ये इस कटोरी में मिक्सचर ले लिया है। तो देखिए लगभग एक चुटकी के करीब ये मैंने इनो लिया है, इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। और साथ ही बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 बूंद के करीब। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसके बाद अब मैं इस मिक्सचर को पैन में डाल दूंगी। और इसे अच्छे से फैला लेना है। और बस धीमी गैस पर इसे अब हमें सिकने देना है। तो इसे बीच में एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो अब मैं इसको पलट लूंगी।
तो देखिए मैंने इसे पलट लिया है और वापस से हम इसे स्लो फ्लेम पर सिकने देंगे। देखिए इस टाइम पर ही मैं इसमें एक छोटा सा कट लगा दूंगी बीच में और इसके अंदर अब हम डाल देंगे ये बटर। और इसे सिकने देंगे अच्छे से, धीरे धीरे मेल्ट होकर अपने आप ही नीचे पहुंच जाएगा और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी से बन भी जाता है। तो ये बहुत अच्छे से हमारा दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी सा सिक्कर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा सूजी का बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता बनकर तैयार है और ये टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी बहुत क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया गया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए देखने में भी जितना अच्छा लग रहा है यकीन मानिए खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।